स्टूडेंट्स, आज का और वेनसडे का जो टॉपिक है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून बेटा स्टूडेंट्स। वेनसडे आप लोगों में से बेटा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, क्योंकि वेनसडे हम लोग ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा जिसमें बैलेंस शीट भी आएगा। मतलब एक ऐसी टाइप का सम हम लोग वेनसडे को डिस्कस करेंगे बेटा, जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में पूरा काम आएगा। तो वेनसडे वाला लेक्चर कोई भी मिस नहीं करे बेटा, कुछ भी हो जाए ना वेनसडे वाला लेक्चर आप लोगों को अटेंड करना है स्टूडेंट्स। चलो तो अब सबसे पहले 32 मैं एंट्रीज बोलता जाता हूं बेटा, आप लोग स्टूडेंट्स उसको वेरीफाई करेंगे। 32, 33, 34 पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारे नए टॉपिक पे जाएंगे स्टूडेंट्स। 32 फर्स्ट एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 10,000। सेकेंड एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 5,000। थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व 5,000। फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 5,000। सिक्स्थ, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 2,000। एंड लास्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000। किसकी किसकी बेटा सारी एंट्रीज करेक्ट है स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड, जिसकी सारी करेक्ट है बेटा रेज योर हैंड्स। 14, 15, 16, 18, 20, वेरी गुड। 21, 22, 23, 24, 20, ओह वेरी गुड। 24 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी सारी एंट्रीज करेक्ट हैं। डाउन योर हैंड स्टूडेंट्स, एक एंट्री गलत हुई है स्टूडेंट्स, वन एंट्री, एक एंट्री गलत हुई है बेटा। ओके बेटा, जिसकी भी एंट्री गलत है पता चल गया बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर मुझे एक एंट्री में डाउट है, 7 नंबर वाली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹1,000, एक्सपेंस पे करना है बेटा, पे करना है मतलब ये अपना लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस बेटा, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलो स्टूडेंट्स, 33 नंबर वेरीफाई करेंगे बेटा। वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज अप टू 2,50,000, तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 70,000। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 50,000। फिर से बेटा, पहली एंट्री लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 70,000, पहले में ही दूसरी एंट्री, क्योंकि दो एडजस्टमेंट है इसीलिए। नेक्स्ट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 50,000। सेकेंड एंट्री, वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज अप टू ₹80,000, मशीन की पुरानी वैल्यू 120 और नीचे नई वैल्यू 80,000, मतलब 40,000 मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 40,000। सर फर्स्ट वाले फर्स्ट नंबर फिर से रिपीट करो ना। फर्स्ट नंबर, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 70,000। फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 50,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 40,000। फिर थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 30%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000, उसकी वैल्यू 30% डिक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 12,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 12,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स, तो 50,000 का पहले 20% बैड डेट रिजर्व, हमारे डेटर्स हैं 50,000 के, उस पर 20% बेड डेट रिजर्व, मतलब 10,000,
बाकी बचा 40,000 और 40,000 पे डिस्काउंट रिजर्व रखना है 5%, मतलब 2,000, बाकी बचेगा 38,000। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 12,000, टू बैड डेट रिजर्व 10,000, टू डिस्काउंट रिजर्व 2,000। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ 15,000 इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20% रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, मतलब 3,000 रुपया उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 3,000 3,000। रीवैल्यूएशन ये वाला मुझे फिर से समझाओ, मैंने 4,000 निकाला बेटा। 15 क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ 15,000 इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20% कम हो गई है। तो 15,000 का 20% मतलब 3,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई मतलब अपना लॉस है। तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 3,000। ओके बेटा, ओके। एंड अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन 20,000। फिर सेवेंथ नंबर 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल टू रीवैल्यूएशन 2,000। बेटा किसकी सारी एंट्रीज करेक्ट हुई स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। ईमानदारी से, ईमानदारी से। 14, 15, ओके 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सारी करेक्ट हुई। अच्छा एक एंट्री गलत स्टूडेंट्स, कितनों की हुई है, वन मिस्टेक। ओके 12 लोग हैं जिनकी एक मिस्टेक। अच्छा स्टूडेंट्स जिनकी मिस्टेक थी बेटा, उनको अपनी मिस्टेक पता चल गई? यस सर, यस सर। ग्रेट, दो एंट्रीज कोई है बेटा जिसकी गलत हुई हो स्टूडेंट्स? दो एंट्री किसी की गलत हुई हो? कोई नहीं है, वेरी गुड। 33 डन। अब चलते हैं बेटा 34 पे। 34 में पहला, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज अप टू 2 लाख, 1.5 लाख की वैल्यू अब 2 लाख हो गई है बेटा, मतलब 50,000 वैल्यू इंक्रीज हुई है लैंड की। तो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 50,000 50,000। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 30,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 30,000 30,000। फिर वैल्यू ऑफ मशीन इज डिक्रीज अप टू ₹50,000, ऊपर मशीन की वैल्यू है बेटा 60,000, अब उसकी नई वैल्यू हो गई 50,000, मतलब 10,000 मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो रीवैल्यूएशन टू मशीन 10,000 10,000। फिर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 20,000, अब 20% मतलब 4,000 वैल्यू कम हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 4,000 4,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 10% इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। 30,000 के डेटर्स हैं, उसके ऊपर हमको बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है 20%, मतलब 6,000, बाकी बचेगा 24,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व एट 10% 2,400, बाकी 21,600 बचेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,400 टू बैड डेट रिजर्व 6,000 टू डिस्काउंट रिजर्व 2,400। फिर स्टॉक 50% इज रिड्यूस्ड बाय 20। रिपीट करो ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 8,400 टू बैड डेट रिजर्व 6,000 टू डिस्काउंट रिजर्व 2,400। नेक्स्ट है स्टॉक 50% इज रिड्यूस बाय 20%, ऊपर बेटा अपना क्लोजिंग स्टॉक है 25,000, उसके 50% इसका मतलब 12,500 के स्टॉक की वैल्यू कितना परसेंटेज कम हुई है बेटा, 20%। तो 12,500 का 20% करूं बेटा, मतलब 2,500। तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 2,500 2,500। फिर अमाउंट ऑफ 10,000 इज नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 10,000 रुपया नहीं देना है,
तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 10,000, 10,000, 4,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000, एंड 3,000 फॉर इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन 3,000, 3,000. किसकी सारे करेक्ट हुए स्टूडेंट्स? ओके, 14 लोगों के साथ, 15 लोगों के सारे करेक्ट है, 16 के, वेरी गुड. ओके, एक एंट्री गलत बेटा, कितने लोगों की हुई है? एक एंट्री गलत स्टूडेंट्स. ओके, 5 लोग, 6-7 लोग ऐसे हैं जिनकी एक एंट्री गलत है. ठीक है, 2 एंट्री गलत स्टूडेंट्स, 2 एंट्री गलत हुई हो, ऐसे कितने बच्चे? फाइन, 2 लोग हैं. 3 एंट्री गलत हुई हो बेटा, ऐसा कोई स्टूडेंट्स? ओके, जिसकी जिसकी जहां पे गलती थी स्टूडेंट्स, पता चल गया बेटा सबको कहां कहां पे गलती हुई है? यस सर. ओके ग्रेट स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टनरशिप फर्म चलता है ना बेटा, और पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट करती है, तो उस प्रॉफिट में से वो लोग क्या करते हैं बेटा, पैसा साइड करते हैं. आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिसको घर से पॉकेट मनी मिलती है, खर्चा मनी? सर. ओके, सब लोग है ना बेटा. अच्छा, हम लोग जो पॉकेट मनी मिलती है सारा उड़ा देते हैं कि कुछ साइड करते जाते हैं? नहीं सर, बचाते ना बेटा. तो स्टूडेंट्स, फर्म भी क्या करती है बेटा, फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से वो कुछ पैसा साइड करती है, जिसको हम लोग रिजर्व कहते हैं. स्टूडेंट्स, एक फर्म के पास 2 चीजें होती है बेटा, ध्यान से समझना. ये जो मैं समझा रहा हूं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले समझ लेना, फिर उसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्म के पास 2 चीजें होती है बेटा, एक होती है रिजर्व. रिजर्व्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, ऑलवेज. रिजर्व्स का कभी भी बैलेंस डेबिट नहीं होगा बेटा, रिजर्व्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है. रिजर्व्स मतलब जो हम लोग प्रॉफिट में से पैसा साइड करके रखते हैं, भाई जैसे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए अपने पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए, उसके लिए हम लोग रिजर्व्स क्रिएट करते हैं. अब रिजर्व्स कौन सी होती है बेटा? सबसे पहली रिजर्व होती है जनरल रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी अपनी रिजर्व्स होती हैं बेटा. ये रिजर्व्स फॉर्म इसलिए क्रिएट करती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, फर्म के पास कुछ फिक्टिशियस असेट्स होते हैं. फिक्टिशियस असेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है. फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं बेटा, जिसका पैसा फर्म ने एक ही बार पे किया, उसका फायदा फर्म को बहुत सालों तक मिलेगा. जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर. आपने इसके ऊपर क्या लिखा है? फिक्टिशियस असेट्स, या जिसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोला जाता है बेटा, इसका दूसरा नाम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी है. स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक होर्डिंग है, आप लोग रस्ते पे देखते हो बेटा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं. मैंने एक होर्डिंग का 5 साल का पैसा दे दिया, अब वो होर्डिंग 5 साल तक मेरी, मैं वहां पे मेरा एडवर्टाइजमेंट लगाऊं, किसी और का लगाऊं, कुछ ना लगाऊं, वो मेरा है. तो मैंने 5 साल का पैसा एक ही साथ दे दिया, अब उसका फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा, ये हमारा कहलाता है फिक्टिशियस असेट. इसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस,
बेटा आप लोगों में आप लोगों के घर में से किसी ने वैक्सीन लिया? हाँ सर। यस सर। लिया ना वैक्सीन? लिया ना बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स वैक्सीन के ऊपर पिछले 1.5 साल से लेके मेहनत चल रही है बेटा। कई सारी वैक्सीन बनी, खराब हुई, फिर उनको वापस से स्टार्ट किया गया, उनका वापस प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये जो इस वैक्सीन के पीछे खर्चा किया गया बेटा, वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होता है। स्टूडेंट्स आज आप लोग मोबाइल यूज करते हो बेटा, तो मोबाइल जब आप यूज करते हो बेटा, जब आपके पास जो भी फोन होगा, किसी के पास एप्पल का फोन होगा, किसी के पास वीवो का फोन होगा, जैसे जैसे टाइम जाता है ना बेटा, उनके नए वर्जन आते हैं। तो वो जो नए वर्जन होते हैं ना, वो पुराने वर्जन से ज्यादा बेटर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी उनके पीछे रिसर्च के पीछे खर्चा करती है, और ये जो खर्चा होता है ना, उस खर्चे का फायदा कंपनी को सालों साल तक मिलता रहता है। क्योंकि अब ये वैक्सीन है बेटा, अब ये वैक्सीन सालों साल तक चलेगी, तो कंपनी ने जो उसके रिसर्च के पीछे खर्चा किया, वो सालों साल तक कंपनी को बेनिफिट देगा। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता है, वो हमारे फिक्टिशियस असेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से पीएनएल डेबिट बैलेंस। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पीएनएल दोनों तरफ लिखा है। ये पीएनएल क्रेडिट का मतलब आपके फर्म का प्रॉफिट है जो आप फ्यूचर में यूज करोगे, और ये पीएनएल डेबिट बैलेंस मतलब ये आपकी फर्म का लॉस है जो आपको पैसा कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जब कोई पार्टनरशिप फर्म चलता है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सभी को। ये जितने भी आप रिजर्व्स और जितने भी आप फिक्टिशियस असेट्स देख रहे हैं ना, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में, जो भी अमाउंट होता है। लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स, ये अपन को ध्यान से देखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है, उस ओल्ड रेशियो में ये सारी की सारी रिजर्व्स और ये सारे के सारे फिक्टिशियस असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स कोई डाउट बेटा इसमें चार्ट में किसी को भी? ओके, किसी को डाउट है तो पूछो, बाकी सब लोग लिखना शुरू करो बेटा। सर डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स का तो बैलेंस डेबिट होता है? हाँ डेबिट बैलेंस होता है बेटा, लेकिन डिस्काउंट रिजर्व जो है ना देव, वो आपकी फिक्टिशियस असेट नहीं है बेटा। देव ओके, वो आपकी फिक्टिशियस असेट नहीं है बेटा, वो लॉस है आपका। फिक्टिशियस असेट मतलब कोई ऐसा खर्चा जो आपने एक ही बार पे किया, लेकिन उसका फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा, वो आपकी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती है, या जिसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। सर यस बेटा, यस प्रेम सर, ये वन मार्कर में आ सकता है कि नहीं? ये बेटा 4 मार्क के सम में आएगा, 3 और 4 मार्क के सम में आएगा बेटा। इसलिए मैं इसको देखो एकदम आराम से मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, अब मैं सम कराऊंगा बेटा इसका। पहले इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करो, तो मैं सम कराऊंगा आप लोगों को। सर आपने रिजर्व में इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट के बाद लिखा है बेटा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। फोटो भेजो बेटा। सर क्रेडिट सर, यस सर। हां सर, बेटा फोटो भेज रहा हूं, भेज रहा हूं। स्टूडेंट्स इसको फटाफट कॉपी डाउन करो बेटा, तो मैं एक मस्त सम कराऊं आप लोगों को। सर वर्कमैन कंपनसेशन मतलब? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बेटा? हम लोग क्या करते हैं, हर साल जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा हम लोग वर्कर्स के लिए साइड करते हैं, कि कभी अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया बेटा, वर्कर को नुकसान हुआ, अब वर्कर को उस टाइम पे पैसा देने के लिए हमारे पास नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो हमारे पास पैसे पड़े हुए होने चाहिए। क्लियर बेटा? यस सर। और सर ये जीआर का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व। सर उसको हम वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम मतलब प्रोविडेंट फंड बोल सकते हैं? नहीं, प्रोविडेंट फंड एक अलग चीज होती है प्रेम। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब वर्कर रिटायर होता है ना, तब उसके रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग उसको पैसा देते हैं, वो अपना प्रोविडेंट फंड होता है। लेकिन ये क्या होता है बेटा, कि अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के टाइम पे हम लोग जो उसको पैसा देंगे वो कंपेंसेशन है। ओके।
तो सर मतलब अभी पेंडेमिक सिचुएशन आई तो उसमें ये वर्कमैन कंपनसेशन काम आएगा ना? यस बिल्कुल काम आएगा ना बेटा, जैसे किसी किसी की डेथ हो गई वहां पे काम करते करते, या वहां से काम करते करते कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जैसे आप लोगों ने भी देखा था बेटा कई सारे हॉस्पिटल्स में आग लग गई थी अभी थोड़ा टाइम पहले, तो वहां पे जो जो लोग काम करते थे उनको सबको कंपनसेशन इसमें से दिया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन में से। ओके सर। हाँ बेटा, प्रोविजंस का बैलेंस पे क्रेडिट होता है ना? प्रोविजंस इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, प्रोविजंस का भी बैलेंस क्रेडिट होता है लेकिन वो अलग चीज है बेटा पूरी। ओके सर, रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिसीव रिजर्व क्या? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्या होता है बेटा? हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है ना बेटा तो वो पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो हम लोग वहां से अपना पैसा निकाल सके। ठीक है बेटा। सर ये रिजर्व फंड के नीचे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। डन सर। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। नो सर। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशियो। हाँ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट्स इनके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया है ना बेटा वो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये चीज याद रखना बेटा आप लोग। जितनी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं उतनी ही चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके अलावा किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर वॉइस कट हो गया था आपका। बेटा मैं कह रहा था कि जितनी ये चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं उनको ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बेटा। ओके सर। स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलो लिखो बेटा, सम लिखेंगे। सर आपने वो भेजा था ना एक इलस्ट्रेशन नंबर, वो आप लोगों को दूंगा बेटा करने के लिए। लिखो बेटा, सुरेश एंड रमेश आर, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा पार्टनर्स का नाम क्या लिखा है? रमेश एंड सुरेश है? सुरेश। यस सर। पहले पार्टनर का नाम रमेश? सुरेश। सुरेश। ओके, पहले पार्टनर का सुरेश, दूसरे पार्टनर का रमेश। ओके फुल स्टॉप बेटा, कंटिन्यू। Following are balances in the books of the firm as on 31/3/17. प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस 20,000 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 10,000 जनरल रिजर्व 30,000 वर्कर्स प्रॉफिट
शेयरिंग फंड रुपीज 12,000 वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व या इसको फंड भी बोला जाता है रुपीज 28,000 ऊपर क्या वर्कर्स प्रॉफिट शेयर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 12,000 फिर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 28,000 लास्ट में क्या लिखा है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व या इसको कंपेंसेशन फंड भी बोला जाता है बेटा लिख दिया स्टूडेंट सबने बोर्ड वाला बेटा यस सर अब लिखो बेटा ऑन द अबाउ डेट ऑन द अबाउ डेट सुरेश एंड रमेश decided new ratio to 1:1 to 1:1 full stop a claim of rupees 3,000 is सर आपने 1:1 के बाद क्या बोला अ क्लेम ऑफ रुपीज 3,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड फुल स्टॉप पास जनरल एंट्रीज लास्ट लाइन आउटस्टैंडिंग वर्कर कंपेंसेशन फंड रुपीज 3,000 पास जनरल एंट्रीज स्टूडेंट शुरू करें बेटा सैम यस सर चलो अब ध्यान से सुनना बेटा एकदम आराम से करेंगे अपन ये सब पार्टनर्स कौन कौन है बेटा सुरेश एंड रमेश दो पार्टनर्स हैं सबसे पहले पीएनएल डेबिट बैलेंस है 20,000 बेटा मैंने जो आपको अभी लिस्ट लिखा है उसमें देखो पीएनएल डेबिट बैलेंस है हाँ सर है ना बेटा स्टूडेंट्स जब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे ना बेटा तो इनको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज में उल्टा किस तरीके से करना है बेटा ध्यान से समझना यहाँ पे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है बेटा तो आप एंट्री क्या करेंगे पीएनएल को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे बेटा पार्टनर्स को सुरेश अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 टू मतलब वो क्रेडिट में लिखेंगे 20,000 अब 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा तो 20,000 इंटू 3/5 20,000 इंटू 2/5 डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा कैसे अमाउंट आया कितना फर्स्ट में 12 एंड सेकेंड में 8,000 करेक्ट है बेटा पार्टनर्स को सुरेश एंड रमेश सुरेश अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट डेबिट 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 3/5 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3/5 मतलब 12,000 सुरेश को 8,000 रमेश को मिलेगा
कंसेप्ट क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री क्लियर बेटा? यस सर। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलते हैं बेटा सेकेंड एंट्री पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस स्टूडेंट्स लिस्ट में है बेटा? हाँ सर। और मैंने आपको देखो क्या बोला हुआ है बेटा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है बेटा? डेबिट। तो आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट करोगे? सर उसको उल्टा कर देंगे हम जो होगा उसको। सबको उल्टा कर देना है बेटा, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस मैंने आपको जो लिस्ट लिखाई उसके हिसाब से उसका बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट होता है तो अपन उसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? सुरेश रमेश। एंट्री होगी सुरेश, अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 6000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है 10,000, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 10,000 इंटू 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5 सो 6,000 बीइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा सेकेंड नंबर एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। बढ़ू आगे बेटा? यस सर। नाउ थर्ड नंबर है बेटा जनरल रिजर्व। स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करो, लिस्ट में जनरल रिजर्व है? हाँ सर। जनरल रिजर्व रिजर्व साइड है बेटा। रिजर्व साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट है तो उसको क्या कर देंगे अपन? डेबिट। डेबिट तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू सुरेश टू रमेश। 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 18,000 और 12,000। 18,000 एंड 12,000 ब्रैकेट में बीइंग फिर से बता जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नव्या जनरल रिजर्व आप लिस्ट में चेक करो आपको किस तरफ दिख रहा है बेटा? सर क्रेडिट साइड तो डेबिट कर दिया। एक मिनट नव्या मेरे क्वेश्चन का आंसर करो बेटा पहले। जनरल रिजर्व आपको किस तरफ दिख रहा है? रिजर्व में दिख रहा है। क्रेडिट रिजर्व में दिख रहा है। हाँ सर। रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट। ब्रैकेट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है ना। रिजर्व में लिस्ट चेक करो नव्या, लिस्ट में देखो रिजर्व में मैंने ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है ना बेटा? यस यस। तो क्रेडिट है तो उसको अपन क्या कर देंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, इस 30,000 को हम लोग सुरेश और रमेश पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में 18,000 12,000। ओके ओके। स्टूडेंट्स थर्ड एंट्री तक सबको क्लियर बेटा? यस सर। नाउ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करो, है लिस्ट में वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड? हाँ सर रिजर्व में। चेक करो वापस प्रॉफिट शेयरिंग फंड है? नहीं है सर। नहीं है ना कंपेंसेशन अलग है, वो कंपेंसेशन नीचे है। देखो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन वो अलग है, प्रॉफिट शेयरिंग अलग है, दोनों अलग अलग है बेटा। तो प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिस्ट में नहीं है बेटा, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री। इसकी एंट्री नहीं होगी बेटा। क्लियर हो स्टूडेंट्स में सबको? यस सर। बढ़ू आगे बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। फिफ्थ नंबर बेटा इस पे ध्यान देना, फिफ्थ नंबर पे वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व लिस्ट में है बेटा? हाँ सर। यस सर। बेटा लिस्ट में है, कौन सी साइड पे लिस्ट में? रिजर्व में। रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है बेटा? क्रेडिट। क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। एंट्री होगी वर्कर्स कंपेंसेशन अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश
टू रमेश। बेटा एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाउंट में गलती होगी बेटा। क्या गलती होगी ध्यान से समझना। आपके पास वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व में 28,000 पड़े हैं बेटा। आप नीचे चेक करो तो वर्कर ने अपने पे क्लेम कितने रुपए का किया हुआ है, देखो 3,000 का, मतलब 3,000 रुपया हमारे पास जो वर्कर के एक्सीडेंट में 28,000 रुपए पड़े हैं, 3,000 वर्कर ने क्लेम किया, वो 3,000 हमको वर्कर को देना है, बाकी अपने पास वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व में 25,000 रुपए बचे। सर समझाने में, आपके पास टोटल वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व में 28,000 पड़े हैं और एज पर क्वेश्चन हमारे सामने एक वर्कर ने 3,000 रुपए का क्लेम किया है, 28,000 में से हम लोग वो 3,000 रुपए उसका क्लेम का दे देंगे, बाकी अपने पास 25,000 बचेगा जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को स्टूडेंट्स यहाँ पे? नो सर। ओके, अब 25,000 15,000 एंड 10,000 ओके, 15,000 एंड 10,000 ब्रैकेट में बीइंग कंपेंसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और लास्ट में हम लोग इनका दोनों तरफ का टोटल कर देंगे बेटा, 12 और 8 20 और 10 30 और 30 60 प्लस 25 85,000। क्रेडिट साइड पे देखें 20 30 40 50 60 70 80 85,000 दोनों तरफ 85,000 बेटा। सम क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर, सम क्लियर हो गया। लास्ट वाले का अमाउंट 25,000 तो पता चल गया, नीचे वाले दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना बेटा, 25,000 को 3:2 में, तो 25,000 इनटू 3/5 एंड 25,000 इनटू 2/5, ठीक है बेटा? यस स्टूडेंट, सम क्लियर बेटा सब लोगों को? यस एक भेज दो ना सर। ग्रेट, चलो अब फटाफट इसको कंप्लीट करो बेटा सम को, और फिर मैंने जो आपको ग्रुप पे भेजा है ना बेटा फोटो, एग्जाम्पल नंबर 10 का मैंने आपको फोटो भेजा है बेटा, तो ये कंप्लीट करने के बाद फटाफट वो कंप्लीट करेंगे बेटा, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे सर, आप लोगों का सर 26 है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एग्जाम्पल 10 है या 10:26 है? एग्जाम्पल 10 है बेटा। सर हाँ बेटा, सेकंड का नरेशन क्या है? सेकंड का नरेशन है बीइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये पूछा जाता है एग्जाम? यस बिल्कुल बेटा, 3 और 4 मार्क में। सर तो आप तो बता रहे थे कि ये चैप्टर में सिर्फ वो गेन रेशियो और सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस गेन या ये वाला टॉपिक, तीनों में से कोई एक टॉपिक आता है बेटा। सर फिफ्थ का नरेशन? फिफ्थ का नरेशन है बीइंग कंपेंसेशन, वर्कर कंपेंसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सर हाँ बेटा, यस बेटा, किसी ने बुलाया मुझे सर, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। स्टूडेंट्स जिनका ये सम हो जाए बेटा, मैंने ग्रुप में एग्जांपल नंबर 10 का पिक भेजा है बेटा, फटाफट ट्राई करेंगे तो फिर वो चेक करवा लूं फटाफट। बेटा जिनका ये हो जाए वो एग्जाम्पल 10 शुरू कर देना।
सर डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करने का ना? नहीं बेटा जरूरत नहीं है सर, वो डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में करने का ना? हमेशा बेटा। सर इस टॉपिक में सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही होगी? क्या बोल रहे हो बेटा? इसमें सिर्फ हाँ सिर्फ जर्नल एंट्रीज। यस बेटा ओनली जर्नल अकाउंट बनेगा? नहीं नहीं कोई अकाउंट नहीं बेटा, खाली जर्नल एंट्री। सर रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व? हाँ बेटा रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व एक ही बात है बेटा, वो रिजर्व ही है। ओके सर। सर वो इलस्ट्रेशन 10 करके सेंड करना है? नहीं बेटा इलस्ट्रेशन 10 कंप्लीट करो, मैं वेरीफाई करा रहा हूँ बेटा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10 कंप्लीट कर लेना बेटा, तो मैं वेरीफाई करवा लूं। स्टूडेंट्स सर कंप्लीट हो गया सर? हो गया तो वेट करो बेटा 2 मिनट, सबका कंप्लीट हो जाए।
स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10 किसी का बाकी हो तो मुझे अपडेट करो बेटा. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10 किसी का बाकी हो तो प्लीज अपडेट करो बेटा मुझे, नहीं तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं. ओके सबका कंप्लीट हो गया बेटा एग्जाम्पल 10 बच्चों? सर मेरा बाकी है. ओके मैं वही पूछ रहा हूं ना बेटा, चलो जल्दी कंप्लीट करो. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, करो करो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं बेटा. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. सर एक लास्ट बाकी है प्लीज. ओके डन बेटा, कंप्लीट करके मुझे अपडेट करो बेटा तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं. Done, sir. Okay, चलो स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे बेटा. एंट्री नंबर 1 राम अकाउंट डेबिटेड, रहीम अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. टू प्रॉफिट एंड लॉस पे 14,000, राम में 8,000, रहीम में 6,000. करेक्ट है बेटा सबकी एंट्री स्टूडेंट्स पहली? यस सर. ओके सेकंड एंट्री बेटा, रिजर्व फंड मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब क्रेडिट बैलेंस, उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 42,000 टू राम अकाउंट टू रहीम अकाउंट. 42,000 डिवाइड बाय 7 मतलब 6 होता 24,000 एंड 18,000. यस सर. ओके बेटा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 42,000 टू राम, 24,000 टू रहीम, 18,000. डन बेटा? यस सर. यस सर. नेक्स्ट
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड नो एंट्री, क्योंकि वो अपनी लिस्ट में नहीं है. नेक्स्ट, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो अपनी रिजर्व होती है बेटा, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट, तो इसको अपन करेंगे डेबिट. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 21,000. क्यों 21,000 बेटा? 26,000 फंड में पैसे पड़े, उसमें नीचे की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 5,000 का क्लेम है, तो 21,000. वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 21,000 टू राम अकाउंट, टू रहीम अकाउंट 12,000 एंड 9,000. 12,000 26,000 रुपए पड़े हैं प्रेम, उसमें से आपको मुझे 5,000 रुपए देने हैं, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 21,000. आपने क्या किया, माइनस किया ना बेटा. कंपनी के पास, फर्म के पास 26,000 रुपया पड़ा है, उसमें से 5,000 रुपया देना है, तो बाकी फर्म के पास 21,000 बचेगा. क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स किसका किसका पूरा सम करेक्ट है बेटा, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, जिसका पूरा सम करेक्ट है. ओके, 19 स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा सम करेक्ट है, 20, एक एंट्री मिस्टेक, एक एंट्री जिनकी गलत हो बेटा. ओके, चार लोग ऐसे जिनकी एक एंट्री गलत है, दो एंट्रीज गलत हो स्टूडेंट्स, टू एंट्रीज रॉन्ग. ओके, दो बच्चे हैं, तीन एंट्रीज गलत हो, ठीक है, एक बच्चा है बेटा. ध्यान रखना, जिनकी जिनकी मिस्टेक्स हुई है बेटा, सबने करेक्ट कर ली है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जिनकी जिनकी मिस्टेक थी वो सबने करेक्ट कर ली है ना? यस सर. ओके, अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको शीट भेजी हुई है, अब उसमें से आपको क्या क्या होमवर्क में करना है बेटा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, कौन सा बेटा स्टूडेंट्स? 13, 14, 15. ये तीन सम्स आपके होमवर्क में बेटा, वेडनेसडे तक ये तीन सम्स आप कंप्लीट करेंगे. वेडनेसडे पहले हम लोग इन सम्स को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर. अभी जिनको डाउट नहीं है बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट हो वो वेट करें बेटा, अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो. बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय बाय. बाय सर. बाय. यस बेटा. तो वैकेशन से पहले खत्म हो जाएगी? हाँ तो खत्म, वो प्लानिंग उसके हिसाब से है प्रेम. बाय बेटा. बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय बाय.